तो आज लगाएंगे हम एक नई बालकोनी में नया ड्रिप इरीगेशन। ये एक प्लांट रखे हुए हैं, ये देखिए इस तरह से, और ये पानी का टैब है, यहाँ से हम ड्रिप इरीगेशन करेंगे। इसमें एक बालकोनी, इसमें 10-15 पौधे इसमें रखे हुए हैं। ये है एक इधर और एक है उधर, यहीं से हम पाइपलाइन लेके गए हैं। इसको करेंगे, इसकी सेटअप बना लेते हैं हम ही काट काट के। तो दोस्तों हमने ये खोल लिया टैब को यहाँ से, और ये हंडी लगा दी है, 3 पंप लगाई है, 2 पंप लगा के एक पॉइंट बनाएंगे हम अपना ऑटोमेशन कंट्रोलर का, जो ड्रिप इरीगेशन का रहेगा इसमें, और दूसरी साइड बना देंगे अपना नॉर्मल टैब। मैंने इस पर एफ टी टाइट कर लिया है निप्पल पर, एफ टी टाइट करने के बाद एक निप्पल लगाऊंगा उसमें काट के, तो टाइट कर लेता हूँ प्रॉपर तरीके से, टाइट हो गया है। और मैं इसमें वाइप की निप्पल एक लगाऊंगा, उसके बाद एक मैनुअल वाल लगा दूंगा इंजी का। हो गया, उसके बाद बाल लगा दिया आरेंज का मैनुअल, बाकी इसके लिए भी कोई दिक्कत होती है तो अपना बाल बंद कर दो ड्रिप इरीगेशन की साइड, तो कोई दिक्कत होती है। अब इसमें टाइप टैप कर देता हूँ मैं, टैप टाइट कर दिया, हो गया। एक पॉइंट मुझे काटनी पड़ेगी पहले, मैं इसकी चूड़ी थोड़ी सी एक्स्ट्रा है एम सी की, ये चूड़ी काट के अपना ऑटोमेशन कंट्रोलर में लगाऊंगा, यूनियन साइड जो कि पानी का इनलेट होगा कंट्रोलर के लिए, उस साइड लगेगी इस साइड। ये 1.5 इंच आउटलेट इनलेट का कंट्रोलर है, तो मुझे 1.5 से ज़्यादा करना पड़ेगा, दोनों साइड एफ टी एम टी कस के बस लगाने पड़ेंगे। ये बस लगा दिया मैंने, उसको आधा बना दिया, प्रॉपर तरीके से टाइमर से चिपका है इसको। अपने घर की बालकोनी में ये छोटी छोटी चीज़ें, छोटे छोटे एरिया हैं जिनके लिए फ्रंट सन का शौक है, मान लो कहीं बाहर जाना आना उनके लिए बड़ा मुश्किल का काम हो जाता है, तो उसके लिए ये इरीगेशन का सिस्टम कराना बहुत ज़रूरी है। 2-4 दिन के लिए कहीं बाहर जाना हो तो पौधों की तरफ से एकदम ध्यान हटा लो और आराम से अपना एंजॉय करो बाहर जाकर। एक कंट्रोलर लग गया, और मैं इसमें एक बार लगा देता हूँ मैनुअल 16 mm का, जो कन्वर्ट हो जाएगा 12 से 16 में। थोड़ी सी हाइट है इसकी और लंबा भी हो गया, तो इसको बैंड लगा के नीचे सपोर्ट दे देंगे पत्थर पर, ताकि टूटेगा नहीं, नीचे प्रॉपर टिक जाएगा तो इसको सपोर्ट मिल जाएगी। नहीं 10-15 पौधों के लिए पानी देना कोई बड़ी बात तो नहीं है, पर पानी फैलता ज़्यादा है, वेस्ट ज़्यादा होता है और पौधों के लिए कम लगता है, इसलिए जितना पानी हमें देना है 1 मिनट में, 2 मिनट में, 3 मिनट में, इसको टाइम सेट कर देते हैं टाइमर में, और जितना पानी इसको जाएगा प्रॉपर वो पानी गमले में रहेगा, वेस्ट नहीं होगा पानी इसमें, नहीं टाइम वेस्ट होगा। इसको एक बार लगा के छोड़ दो, इसमें देखना ही नहीं है कुछ भी, देखिए इसको मैं प्रॉपर फिक्स कर देता हूँ। ये मैंने 3 बैंड लगा लिए एक ही जगह पे, और इसको टेक दिया पत्थर पे, ये देखिए सपोर्ट बन गया इसको पूरा। और आगे का जो वाल लगाया है उस पर मैं 16 mm का एक एल लगा के उसको प्रॉपर कनेक्ट कर देता हूँ। मैंने पिन कनेक्टर लगा के हर एक गमले के अंदर पॉइंट दे दिया पानी का, ये पूरा चढ़ गया। अब देखिए मैंने ऑन कर दिया है, पाल को थोड़ा खोल दिया है, और ये देखिए, ये देखिए ये नॉब इसका ब्लिंक कर रहा है ऑन पे, अभी मैंने मैनुअल चला दिया है, देखते हैं पानी आता है नहीं आता है। आएगा सभी गमलों में आएगा तो बराबर ही आएगा, नहीं आएगा किसी में भी नहीं आएगा। ये देखिए आया सर, नहीं आया, ये देखिए पानी आना चालू हो गया, ये ऊपर हो नीचे हो हाइट का हो हाइट का हो, ये पीसी ड्रिल करें जहाँ भी आएगा पानी बराबर ही आएगा, छोटा गमला हो बड़ा गमला हो पानी सब में ही बराबर आएगा। करना हमें ये पड़ेगा कि छोटे जो बहुत ही ज़्यादा छोटे हैं उनके लिए बिल्कुल कम पानी चाहिए, उनके लिए तो ड्रिपर चेंज करने पड़ेंगे इसमें से हमें, बड़े बड़े जो गमले हैं उनके लिए ये ठीक है। ये देखिए अब इस तरह से पानी जाएगा तो पूरा गमले के अंदर ही अंदर जाएगा, बाहर फ्लडिंग नहीं होगी। जो हम पाइप से फेंकेंगे इसके ऊपर पानी, तो उसमें से मिट्टी उछट के नीचे गिरेगी, गंदा होगा और प्रॉपर
पानी लगेगा नहीं, पानी भी वेस्ट होगा उससे। ये देख हर एक गमले के अंदर पानी आया है प्रॉपर तरीके से। ये देख पूरा पानी प्रॉपर आ रहा है, गमले की जड़ में जा रहा पानी। और इस तरीके के सिस्टम लगवाने के लिए हमारे चैनल को सपोर्ट करें और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।